हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको कुंदरू की नई और आसान सब्जी बनाने के लिए बता रही हूँ। मैंने पैन में सरसों का तेल और जीरा डाल दिया है, फिर हरी मिर्च काट कर डाल दी है, प्याज भी काट के डाल दिया है। आप उसको थोड़ी देर ब्राउन होने तक भून लीजिए। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें आप कुंदरू को डाल दीजिए, जो मैंने लंबे साइज में काट करके रखा है। आप उसे थोड़ी देर भून लीजिए अच्छे से। ये रेसिपी सबको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। मैं यहाँ पर 5 मिनट तक इसे भून रही हूँ। आप इसमें हल्दी डाल दीजिए। मैंने इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल दिया है। आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। ये करीब 10 मिनट तक इसको अच्छे से भून लीजिए। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे कोई भी टाइम खा सकते हैं और चावल रोटी के साथ भी इसको ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही आसान है इसको बनाने में। और ये सूखी सब्जी है ना, तो बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। मैं इसको ढक ढक करके अच्छे से भून रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुना जाए। और इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक भी डाल दिया है। अब ये तैयार है। कुछ मिनट में इसे निकाल के सर्व करती हूँ। आप इसको देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में ये। आप इसे मीडियम आंच में भूनिएगा। इसका मीडियम फ्लो होना चाहिए गैस का। देखिए ये कितना सुंदर है। ये देखिए, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छा है। आप इसे किसी भी टाइम खा सकते हैं और हर कोई खा सकता है।